This is the first example related to pointers. As we are discussing in previous sessions, already same examples. Again, we are solving this examples one by one by using stack diagram. Previous case में discuss किया था, simply जब भी किसी program को execute करोगे, line by line. First of all, we are creating stack diagrams. Suppose that locations के address one हो रहा है 100, 98, 96 and so on. 94. Already discuss किया था, अगर किसी location का address है ना, जब उसी location का logical name क्या होगा, one more name है स्टार एन. फॉर एग्जाम्पल अगर करंटली इस लोकेशन का एड्रेस 100 है तो इसी को एक्सेस करने का भी क्या हुआ स्टार 100 मीन्स ओनली एजम्पन्स सेम एज स्टार 98 स्टार 98 और स्टार 100 के केस में क्या मिलेगा स्टार 100 के केस में क्या मिलेगा स्टार 100 का वैल्यू स्टार 98 के केस में क्या मिलेगा स्टार 98 का वैल्यू स्टार 96 स्टार 94 एंड सो ऑन दिस इज एजम्पन्स. नेक्स्ट वन फर्स्ट वन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन कंट्रोल जब इस ब्लॉक में एंटर हुआ सबसे पहले परफॉर्म कराए मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स. हियर वी आर यूजिंग और डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड ओनली पी. सबसे पहले एलोकेशन परफॉर्म कराएं एक्स के लिए देन पी के लिए. नेक्स्ट थिंग्स इसके जैसा जैसे इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन हुआ इनिशियली एक्स को इनिशियलाइज करेंगे बाय वैल्यू 10 देन पी के केसेस में कोई वैल्यू सेट नहीं किया पी के केस में क्या हुआ सम गार्बेज वैल्यू. आफ्टर सेकंड स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट पी इक्वल्स टू एम परसेंट एक्स इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका एम परसेंट का देन रिप्लेस किया हुआ एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स. डायग्राम के अकॉर्डिंग लोकेशन एक्स का एड्रेस फाउंड हो रहा है एज अ 100 दैट्स व्हाई वी आर रिप्लेसिंग 100 इन दैट प्लेस. अब 100 इज असाइन टू द वेरिएबल पी. पी के केस में क्या असाइन हो जाएगा एड्रेस एज 100. नेक्स्ट वन आफ्टर दैट मीन जनरली मैंने आपको बोला था जब किसी प्लेस पर जब भी किसी पॉइंटर में एड्रेस असाइन करें देन पॉइंटर के रिस्पेक्ट में टू लोकेशन लॉजिकली कंसीडर करेंगे एज अ पी और स्टार पी. स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ जिस लोकेशन का एड्रेस पी में स्टोर है. करंटली पी में क्या स्टोर है 100 तो जिस लोकेशन का एड्रेस 100 है उसी लोकेशन का एक और नेम क्या है स्टार पी. रीजन अगर स्टार पी के केस में पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे पी का वैल्यू क्या है 100 इट इज सिमिलर टू स्टार 100. क्लियर. नेक्स्ट वन प्रिंट एप के अकॉर्डिंग जैसे इस प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले करना स्टार्ट करेंगे वन बाई वन यूजिंग प्रिंट एप. फर्स्ट प्रिंट एप में पास करेंगे एक्स वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या फॉर्म हो रहा है 10 स्टार पी मीन्स ऑल्सो सिमिलर टू एक्स मीन्स एक ही लोकेशन के टू अल्टरनेटिव नेम्स हैं एक्स और स्टार पी. और इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे ऑपरेटर्स के फॉर्म में तो स्टार पी के केस में पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे पी का वैल्यू विच इज 100. ऑलरेडी डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ स्टार ऑपरेटर रिक्वायर्ड ऑपरेंड शुड बी एड्रेस अप्लाई किसके लिए हो रहा है एड्रेस के लिए रिटर्न्स वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस मीन्स स्टार रिटर्न क्या करेगा लोकेशन 100 का वैल्यू लोकेशन 100 में वैल्यू क्या स्टोर है 10 इसलिए इस केस में रिप्लेस किया फाइनली 10 और डायरेक्टली स्टार पी के प्लेस पर भी क्या कंसिडर करेंगे ऑल्सो 10 लाइक दैट. फाइनली इस केस में प्रिंट एफ डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू एज 10. नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगेन टू ऑपरेटर्स अप्लाई किए स्टार एंड असाइनमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका स्टार का. वन मोर थिंग्स वन उस लोकेशन में असाइन होगा जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम स्टार पी है और स्टार पी लॉजिकल नेम उस लोकेशन का नेम है जिसका एड्रेस पी में अवेलेबल है पी में क्या स्टोर है 100 तो स्टार पी किसका नेम है 100 लोकेशन का. फाइनली वन असाइन किस में हुआ लोकेशन 100 में. लोकेशन 100 में जब वन असाइन करेंगे वाई यूजिंग स्टार पी तो इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू भी क्या फाउंड हो रहा है ऑल्सो 1 और सिंपली आपके रिजॉल्व करना भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल्स. प्रायोरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे सिंपली इसी प्लेस को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ पी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ पी. पी का वैल्यू क्या 100 दैट्स वाई इट इज इक्वलेंट टू स्टार 100. अब वन उस लोकेशन में आसान होगा जिसका नेम स्टार 100 है मीन्स अगेन एग्जैक्टली सेम एज एक्स तो स्टार 100 प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा 1. अब न्यू वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन इज 1. इस प्लेस पर असाइनमेंट किसके थ्रू किया था यूजिंग स्टार पी लेकिन इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू भी क्या फंड हो रहा है 1 क्योंकि दोनों ही केसेस में अल्टरनेटिव नेम सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 100. प्रिंट एफ नेक्स्ट टाइम एक्स का वैल्यू क्या है 1 स्टार पी मीन्स स्टार 100 और स्टार 100 में भी क्या है ऑल्सो 1 इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा 1 1 स्लैश एन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी लाइन चेंज हो चुका था. नेक्स्ट वन एक्स इक्वल्स टू 2 जब एक्स में 2 असाइन करो तो इनडायरेक्टली चेंजेस किसमें हुआ स्टार पी में तो एक्स का वैल्यू कितना फाउंड हो रहा है 2
स्टार पी मीन्स स्टार 100, और स्टार 100 में भी क्या फाउंड हो रहा है, स्टार 100 मीन्स दैट प्लेस ऑल्सो 2, दोनों केस में क्या आएगा 2 2. दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम्स.